गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि मैं सीएम की रेस में ना पहले कभी था और ना अब हूं। उन्होंने कहा कि मैं साधारण आदमी हूं, मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं जहां हूं खुश हूं। पार्टी ने मेरी वरीयता को कभी नजरअंदाज नहीं किया है, हाईकमान और मुख्यमंत्री का स्नेह और सहयोग मेरे साथ है। ताम्रध्वज साहू ने यह भी कहा कि मुझे टिकट मिलेगा तो भी और नहीं मिलेगा तो भी पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। आगे टीएस सिंहदेव को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा जाने अपनी बात। साथ ही गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों पर कहा कि उन्हें अपने पिछले 15 साल का आंकड़ा निकालना चाहिए। नहीं, मैं तो जहां हूं खुश हूं और मेरा वरीयता हमेशा है, मेरे को कोई नजरअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ, हाई कमान का भी रहता है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम का आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, काम मेरे करना है सबका। बाबा अपने जाने, मैं कभी रेस में नहीं रहता।